नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलिफेंटा गुफाओं के इतिहास के बारे में। जी हां, स्थानीय परंपराओं के अनुसार ये गुफाएं मानव निर्मित नहीं है ऐसा बोला जाता है और इन्हें बनाने का श्रेय भारतीय महाकाव्य महाभारत के नायकों और वन मानुषों को दिया जाता है जो कि भगवान शिव के भगत थे। सन 635 ईस्वी में नौसैनिक युद्ध में बादामी चालुकस सम्राट पुलकेशी द्वितीय ने कोंकण के मौर्य शासकों को हराया था और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह गुफाएं उसी समय यानी कि 6वीं शताब्दी की बनी हुई है। विकिपीडिया के अनुसार ये गुफाएं सिलहारा वंश के राजाओं द्वारा निर्मित बताई जाती है जिन्होंने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक यहाँ पर राज किया था। कहा जाता है कि राजघाट नामक स्थान पर 16वीं शताब्दी तक हाथी की एक बहुत बड़ी मूर्ति व्यवस्थित थी, इसी कारण पुर्तगालियों ने इस द्वीप का नाम एलिफेंटा रखा था। तो चलो दोस्तों, आज हम इन्हीं एलिफेंटा गुफाओं के रोचक इतिहास से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में जानेंगे। यह द्वीप महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका व्यास लगभग 4.5 मील है और ये गुफाएं दो भागों में विभाजित है। इनमें से 5 गुफाएं भगवान शंकर को समर्पित है तथा दूसरे समूह में स्तूप हिल नामक 2 बौद्ध गुफाएं स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है जिनमें से महेश मूर्ति गुफा सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्य गुफा में 26 स्तंभ है जिनमें शिव को कई रूपों में दिखाया गया है। इनमें शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे भव्य है। यह मूर्ति 23 या 24 फीट लंबी और 17 फीट ऊंची है। इस मूर्ति में भगवान शिव के 3 रूपों का चित्रण किया गया है। गुफा के मुख्य हिस्से में पोर्टिको के अलावा 3 ओर से खुले सिर है और इसके पिछली ओर 27 मीटर का चौकोर स्थान है और इसे 6 खंभों द्वारा सहारा दिया जाता है। एलिफेंटा की पहाड़ी में शैलोत्कीर्ण करके उमा महेश गुहा मंदिर का निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी में किया गया। इन गुफाओं में महायोगी नटवेश्वर भैरव, पार्वती प्रणय अर्धनारीश्वर, पार्वतीमान, कैलाशधारी रावण, महेश मूर्ति शिव तथा त्रिमूर्ति के अद्भुत चित्र देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि 757 से 973 के बीच इस क्षेत्र पर राज कर रहे राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास महेश गुहा मंदिर को खोज निकाला गया था। इन अद्भुत गुफाओं में भगवान शंकर के विभिन्न रूपों के कारण इन्हें टेम्पल केव्स भी कहा जाता है। यहाँ पर शिव पार्वती के विवाह का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। यूनेस्को द्वारा 1987 में इन गुफाओं को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।